व्यूअर्स, वेलकम टू बियास होममेड डिशेस। आज हमने एग पराठा बनाया है, देखिए कितना मजेदार बना है। इसके लेयर्स भी कितने खुले खुले बने हैं। सादा पराठा तो सभी बनाते हैं, हमने लेयर वाला बनाया है, डिफरेंट स्टाइल में बनाया है, आपको ये जरूर पसंद आएगा। इसके लेयर कितने खुले खुले बने हैं मैं ये कैसे बने हैं आपको बताऊंगी, एंड तक आप बने रहिए। तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लेयर्स कैसे आई हैं। एक पराठा बनाने के लिए मैंने आधा केजी मैदा लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल लूंगी, आधा चम्मच नमक, दो चम्मच जितना ऑयल डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं उसी तरह हमें इसे तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम एक मीडियम डो गूंद लेंगे। इस तरह का मीडियम डो हम तैयार कर लेंगे। ऊपर से हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे ढककर आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। दो एग को हम मिक्स कर लेंगे, आप दो चार जितने चाहे आप मिक्स कर सकते हैं, मैं दो मिक्स कर रही हूँ। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, हरी मिर्च को मैंने थोड़ा दरदरा सा पीस लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा एग रेडी हो चुका है, हम पराठा बेल लेंगे। आधा घंटा हो चुका है, अब हम आटे को चेक कर लेंगे। देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, थोड़ा सा हम इसे चिकना कर लेंगे। एक मीडियम साइज की लोई बना लेंगे। आप छोटी या बड़ी बना सकते हैं, इससे इसकी मैंने लोइयां बनाई है। थोड़ा बड़ी होगी तो लेयर उसकी अच्छी आएगी। लोई पर मैंने थोड़ा सा आटा लगा लिया है और इसे बेल लेंगे। बड़ी रोटी हम बेल लेंगे। बहुत पतली बेलनी है हमें, इसे मोटा नहीं रखना है, कोनों पर भी अच्छा सा बेल लेंगे। अब हम इस पर घी अप्लाई कर लेंगे। ऑयल लगाएंगे तो इसकी लेयर अच्छी नहीं आएगी, हमें घी लगाना है, सारे पराठे पर अच्छे से लगा लेंगे। अच्छे से घी अप्लाई कर लिया है, अब इस पर सूखा मैदा डाल लेंगे। अच्छे से चारों साइड डाल लेंगे। अब हम इसका रोल बना लेंगे। हम यहां पर भी थोड़ा सा घी लगाएंगे। इसे अच्छे से लपेटेंगे। इसे बंद कर देंगे। इस तरह के हमें बना लेना है। अब हम इसे थोड़ा सा मैदा लगाकर बेल लेंगे। हमें बहुत पतला नहीं बेलना है, मीडियम साइज का बेलना है, मीडियम थिकनेस रखकर बेल लेंगे। देखिए इस तरह से हम बेल लेंगे। आटा हम ज्यादा उसे नहीं लगाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा लगाकर बेलेंगे।
इस साइज का मैंने बना लिया है। इसकी थिकनेस देखिए, बहुत ज़्यादा हमें पतला करना है ना ही ज़्यादा मोटा रखना है, मीडियम रखना है। एक रेडी हो चुका है और एक मैं ऐसे ही बना लूँगी। मैंने एक पैन रख लिया है, ज़्यादा गर्म नहीं रखना है पैन को, मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और धीरे से सेकेंगे। अब हम इसे पलटा लेंगे। पलटा कर चेक कर लेंगे, एक साइड हमें अच्छे से सेकना है, दूसरी साइड हमें बिल्कुल कम सेकना है। इस साइड में अच्छे से सेक लूंगी। अब मैं इसे पलटा कर दिखाती हूँ। देखिए, इस साइड मैंने अच्छे से सेक लिया है और इस साइड थोड़ा सा कम सेका है। अब हम पैन में एक चम्मच ऑयल डालेंगे। पैन में मैंने एक चम्मच ऑयल डाल लिया है। तो दो एग मैंने फेंट लिए थे, उसका आधा इस पर डाल लेंगे और अच्छे से फैला लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। जो अच्छे से हमने सेकी थी रोटी, वो साइड इसके ऊपर डाल देंगे। ऊपर ऑयल लगा लेंगे। पहले हमने ऑयल नहीं लगाया था, अब ऑयल लगा रहे हैं। नीचे का हो चुका है, अब हम पलटा लेंगे। दूसरी साइड थोड़ा सा हमने रोटी अच्छे से नहीं सेकी थी, वहां भी हम अच्छे से सेक लेंगे। ऐसे चम्मच से दबाते हुए लो फ्लेम पर सेकेंगे। हमारा पराठा अच्छे से फूल रहा है। देखिए, जहाँ पर हमने एग डाला है वहाँ पर ज़्यादा हमें नहीं सेकना है, पीछे जो हमने कच्चा रखा था उसी साइड हम अच्छे से सेक लेंगे। देखिए, इसी तरह हमें क्रिस्पी बनाना है, लो फ्लेम पर अच्छे से सेकना है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये हो चुका है, देखिए कितना परफेक्ट हमारा एग पराठा बनकर रेडी हो चुका है। ऐसे ही हम और एक भी बना लेंगे, और एक मैं डिफरेंट तरीके से आपको बताऊंगी। हम पहले पैन में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और जो पराठा नीचे नहीं हुआ है वहाँ इसे ऐसे रख देंगे, और ऊपर जो बचा हुआ, हमने दो एग लिए थे, जो बचा हुआ है आधा वो इस पर डाल देंगे, अच्छे से फैला लेंगे। अब हम इसे पलटा लेंगे, धीरे से पलटाएंगे। एग पर हमने ऑयल नहीं डाला था, थोड़ा सा इस पे अप्लाई कर लेंगे, फिर से फ्लिप कर लेंगे। दोनों साइड अच्छे से हम सेक लेंगे। देखिए, ये भी अच्छे से हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए, हमारा मज़ेदार सा एग पराठा बनकर रेडी हो चुका है। बहुत मज़ेदार बना है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। इसे आप ब्रेकफास्ट में, लंच में आराम से बना सकते हैं। बहुत इजी मेथड से मैंने बताया है। आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।